हेलो एवरीवन। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं जील का 2-in-1 रेयर कोट, जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। इसका कोड नंबर है WF161, साइज़ XL और MRP 999 है। तो लोकल मार्केट से मैंने इसको कम में थोड़ा परचेज़ किया है। प्राइसिंग के बारे में और भी बात करेंगे आगे। फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन और जील की वेबसाइट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो ये 2-in-1 रेयर कोट है। आगे कैसे हमको यूज़ करना है वो हम आगे बात करेंगे। तो वाटर फाइटर बाय जील, यहाँ पर ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। प्लास्टिक का यहाँ पे हुक दिया गया है, जिसको आप कहीं से भी टांग सकते हैं। और यहाँ पे जिप लॉक जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे अगर आप गीला रेनकोट रखना है तो पानी आपका बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम रेनकोट को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, एक जैकेट देखने को मिलेगा और दूसरा आपको पैंट देखने को मिलेगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और डुअल कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक रेड और ब्लैक में। रिफ्लेक्टर टाइप का कलर है, जो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो कोई भी अगर सामने से गाड़ी आ रहा है तो वहाँ रिफ्लेक्ट करके हमको बताएगा। तो हम टैग वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो टैग में हमको प्राइजिंग वगैरह मिल जाएगा। 999 की आप प्राइजिंग देख सकते हैं यहाँ पर, साइज़ XL देख सकते हैं और नेट क्वान्टिटी 2N यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिवर्सिबल रेन सूट है ये, 2-in-1 रेन सूट है। अंदर या बाहर दोनों साइड से आप पहन सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो और यहाँ पे 25 ईयर्स का यहाँ पे टैग दिया गया है। तो कुछ और ख़ास नहीं है यहाँ पे। और देख लेते हैं हम किस टाइप से मटेरियल यूज़ होता है। यहाँ आपको कैप देखने को मिलता है, जो अगर हम ड्राइविंग वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हमको रेन से बारिश से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये प्लास्टिक का है और यहाँ पर इलास्टिक दिया गया है। तो कुछ इस टाइप से कैप आप लगा सकते हैं अपने रेनकोट में। तो ये हमारा रेनकोट है। इसके हाथ में यहाँ पे आस्तीन में इलास्टिक दिया गया है, जिससे पानी अंदर ना जाए। और हाथ में भी यहाँ पे आस्तीन में भी रेड कलर का यहाँ पे कपड़ा दिया गया है, रिफ्लेक्टर जैसा। तो यहाँ पे दो कपड़ा यूज़ किया गया है, अंदर और बाहर। अंदर मोटा और बाहर पतला यहाँ पे दिया गया है। बैक साइड में यहाँ पर वाटर फाइटर लिखा है बाय जील, और बैक साइड में पूरा प्लेन यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रंट देख लेते हैं हम। फ्रंट में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ये है। और यहाँ पे आपको रेड कलर की पट्टी देखने को मिल जाएगी। और भी कलर से आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे ग्रीन है और रेड कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साइज़ भी यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबल है, तो साइज़ भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रैक्सिन यहाँ पे यूज़ हुआ है, डुअल रैक्सिन यहाँ पे यूज़ हुआ है। और ये कुछ स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर बटन वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से ब्रांडिंग दी गई है, मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा। तो बटन मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये कुछ बटन है, उसके अंदर फिर आपको चैन देखने को मिल जाएगा। तो कैसे वियर करने के बाद ये कैसे दिखता है, सब हम देखेंगे आगे वीडियो में। तो ये चैन है, तो चैन को आपको ओपन कर लेना है। तो ये कुछ इस टाइप से चैन आपको यहाँ पर नीचे करके ओपन कर लेना, और अंदर से कुछ स्टेप से दिखता है आपको, ग्रे स्टेप से कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, आप प्रॉपरली दिख पा रहा होगा आपको कि बाहर पतला है और अंदर मोटा कपड़ा यहाँ पे रैक्सिन यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक साइड में पॉकेट दिया गया है, अंदर के साइड में अगर मोबाइल वगैरह आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं। और बाहर भी एक पॉकेट दिया गया है, तो बाहर आप मोबाइल ना रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और इस साइड अंदर साइड सिर्फ एक ही पॉकेट दिया गया है, और बाहर साइड आपको दो पॉकेट देखने को मिलेगा। एक इस साइड यहाँ पे आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा, और एक दूसरे साइड यहाँ पे आपको पॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो दो पॉकेट्स है, डेप्थ उतना ज़्यादा नहीं है, मोबाइल्स ना रखें तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा। और यहाँ पे अंदर में आप रख सकते हैं मोबाइल, अगर आप इस टाइप से पहनते हैं फ्रंट में कलर वाला। तो यहाँ पर कुछ ऐसे देखने को मिल जाता है आपको। और इसको मैं आपको पलट के भी दिखा दूंगा कि किस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर से ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको सामने में। और यहाँ पे आपको कैप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो प्लास्टिक का कैप मिला था हमको, उसको अटैच कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा करके। और ये जो इलास्टिक है, ये आपके हेड पर लग जाएगा। पहले आपको प्लास्टिक का कैप पहनना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको आपको लगाना पड़ेगा। और थ्रेड से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखने को मिल जाएगा इस ऐसे आपको। और बैक से भी हम देख लेंगे कि किस टाइप से देखने को मिलता है। तो ये बटन देख सकते हैं आप,
ये बटन 2-in-1 में यूज़ होता है। तो ये फ्रंट है बटन का, और सेम टाइप का इसी टाइप का दूसरे साइड भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से अगर आपको बटन देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि ये 2-in-1 है, जैसे दोनों साइड से फ्रंट है। तो अगर इस साइड से लगाते हैं तो कुछ इस टाइप से लगता है, और आप बैक करके पहनेंगे तो बटन कुछ ऐसा लग जाएगा। तो ये इस टाइप से है, और इसको हम पलटा लेते हैं और देखते हैं कि दूसरे साइड से लुक हमको किस कैसे मिल जाता है। तो हम पलटा लिए हैं और ऐसा लुक देखने को मिलता है आपको, कम्प्लीटली ग्रे इस टाइप से यहाँ पे लुक देखने को मिलता है। पूरा ग्रे है, कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, ये ग्रे टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आप इस साइड से पहनते हैं तो आपको चैन बाहर दिखेगा और बटन अंदर रहेगा, और उस साइड से पहनेंगे तो बटन बाहर रहेगा चैन अंदर रहेगा। तो ये कुछ आपको डिज़ाइन में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और पॉकेट्स आपको उस टाइम ऐसे पहनेंगे तो दो अंदर हो जाएगा और एक बाहर हो जाएगा। तो बटन में लगा देता हूँ और आपको चैन लगा के दिखा देता हूँ। चैन कुछ इस टाइप से है, देखिए ये अभी अंदर साइड से है इसका हैंडल, और इसको आपको इधर घुमा लेना है, और ये इस टाइप से यूज़ करने के लिए रेडी हो गया। तो आप हैंडल वाज घुमा ले रहे हैं और ये चैन आप यूज़ कर सकते हैं अंदर से। तो हम चैन लगा लेते हैं, ये मैंने फिक्स कर लिया और इसको मैंने चैन लगा लिया। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लुक आएगा। आप अगर बैक साइड से पहनते हैं तो पूरा प्लेन लुक यहाँ पे आ जाएगा आपका, और चैन यहाँ पे आपको बाहर देखने को मिलेगा। और फ्रंट साइड से पहनते हैं आप कलर वाले साइड, तो चैन आपको अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ भी सेम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस साइड से पहनते हैं तो आप कैप नहीं लगा पाएंगे, और अगर आपको कैप यूज़ करना है ये प्लास्टिक वाला, तो आपको जो कलर साइड है रिफ्लेक्टर साइड से, वहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कैप दिया गया है, तो मैक्सिमम रेनकोट्स में आपको ये प्लास्टिक का कैप देखने को नहीं मिलता, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको कैप देखने को मिलता है। और पैंट कुछ यहाँ पे ऐसा देखने को मिल जाता है आपको। आप पैंट तो 2-in-1 नहीं है, लेकिन आप पहन सकते हैं पैंट उल्टा या सीधा, जो भी पहने आप एक ही टाइप से है। तो पैंट में कोई भी अलग से कलर आपको देखने को मिलता है। इलास्टिक अच्छी है इसकी, और कपड़ा भी इसका अच्छा है। ये सिंगल रेजिन यहाँ पे पैंट में आपको देखने को मिलेगा, और कोई भी पॉकेट्स हमको अंदर साइड या बाहर साइड हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और ये एक्सेल साइज है, और कुछ इस टाइप से इसका पैंट है। और उसके बाद हम देख लेते हैं ये आपका प्राइसिंग का। तो इसको मैंने लोकल मार्केट से 800 में परचेस किया है। आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 900 या 800 का भी मिल जाए आपको, और MRP इसकी 1000 रुपीज़ है। अगर आपको लेना है तो लोकल मार्केट से प्रेफर करूँगा, मैं लोकल मार्केट से ले। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, दो रेगजिन दिया गया है, तो क्वालिटी इसकी इम्प्रूव हो गई है और लाइफ भी इसका बढ़ गया है। तो ये आपको 500 में भी रेनकोट मिल जाएगा झील का, लेकिन वो उतना टिकाऊ नहीं रहेगा, सिंगल मटेरियल का मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। तो ये मेरे फ्रंट का व्यू, तो कुछ इस टाइप से व्यू आपको आएगा देखने में फ्रंट से। और कैप लग नहीं पाया इसमें, तो अगर कैप आपको यूज़ करना है तो आपको इसको उल्टा करके ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहन के दिखा देता हूँ आपको। तो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं, साइड से कुछ इस टाइप से व्यू आएगा, और ये नीचे से कुछ इस टाइप से यहाँ व्यू आएगा। तो एक साइड बड़ा है ये मेरा, यहाँ पे देखिए एक साइज बड़ा है और एक साइज बड़ा नहीं लिया मैंने, छोटा लेना था इस समय पर। तो मैं अभी उल्टा करके आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से आपको व्यू आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं किस टाइप से दिखने वाला है आपको। बैक में इस साइड कोई फेंडिंग नहीं है, तो फ्रंट साइड से मैं ओपन कर लिया हूँ, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे लुक देखने को मिलता है, और पूरा यहाँ तक आपको बटन देखने को मिलता है, और ये पूरा फिट है आप देख सकते हैं, तो पानी जाने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं,
कैप कुछ इस टाइप से रहता है, और यहाँ पे आपका बटन लग जाता है 1 2 3, तो 3 बटन यहाँ पे कैप को दिए गए हैं। तो कैप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन पहनते पहनते कंफर्टेबल लगने लगेगा और इसको भी आप टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पे ब्रांडिंग भी गई है और पॉकेट्स यहाँ पे किए गए हैं, पॉकेट यहाँ पे 1 पॉकेट किया गया है और यहाँ पे आपको दूसरा पॉकेट दो पॉकेट दिए गए हैं यहाँ पे, और उतने बड़े नहीं है, छोटे ही पॉकेट्स हैं। तो मैंने कहा नीचे से कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलता है, साइड से कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिलता है, बैक में कुछ स्टेप्स है आपको पेंडिंग दी गई है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कैप में कुछ स्टेप्स है इलास्टिक, आपको कैप में कुछ स्टेप्स है इलास्टिक वगैरह आपको देखने को मिलता है, इलास्टिक दिया गया है जो यहाँ पे फिट हो जाता है। तो दोनों हाथ लगेंगे यहाँ पे, तो इलास्टिक कुछ स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे।